बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? वो सुनाएं इंशाल्लाह अल्लाह ताला कि अगर उनसे आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। ये मैंने तकरीबन 1.5 kg गोश्त ले लिया है बीफ का, इसे मैं प्रेशर में डाल रही हूँ, धो के अच्छे से वाश कर लिया इसको। ये मेरे पास देसी लहसुन है, ये डाल रही हूँ काफ़ी सारा। ये 3 अदद मीडियम साइज की प्याज थी, ये मैंने फाड़ ली मोटी मोटी। ये 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें ये मैंने काट ली हैं। अब इसमें जाएंगे नमक मसाले, 1/2 टीस्पून ये हल्दी है, ये शामिल कर देंगे। एक टेबल स्पून हम रेड चिली शामिल कर देंगे। वन टेबल स्पून साल्ट शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेंगे, बाद में चेक करके फिर डाल लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी जाएगा। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। और 15 मिनट के लिए हम इसे वेट पे लगा देंगे, प्रेशर कुकर में बंद करके 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। चलो इसे वेट लगा देते हैं 15 मिनट के लिए। ये लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी अब भिंडी हैं जो वो फ्राई कर लेते हैं। ये तकरीबन मैंने 3 पाव भिंडी ली थी, ताज़ा फ्रेश भिंडी है घर की। ये मैंने इस साइज में काट ली है, आप 2 पीस भी काट सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। मैंने 1 भिंडी के 3 पीस किए हैं। अब मैं इनके फ्राई कर लूँगी। मैं ऑयल ले लिया मैंने कढ़ाई में, अब इसमें मैं भिंडी शामिल कर दूँगी। मैं भिंडी गोश्त बना रही थी आज, मैंने बोला आपके सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। एक लेमन का जूस इसके अंदर शामिल कर दिया था, इसकी लेप बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। मेरे भी माशाल्लाह हमारा गोश्त बन गया अच्छे तरीके से, निकाल चुका हम। अब हम इसे कढ़ाई में निकाल लेते हैं, यही जो घी वाली कढ़ाई है इसी में निकाल लेते हैं। भिंडी वाली इसमें भिंडी फ्राई की थी, इसी में निकाल लेती हूँ गोश्त को मैं। गोश्त को मैंने इसी कढ़ाई में निकाल लिया, घी वाली कढ़ाई में, इसी में इसकी मैं बनाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब जो इसमें मसाले जाएंगे, ये मेरे पास धनिया पाउडर है 1 चम्मच, ये अचार वाला मसाला मेरे पास 1 चम्मच, मिक्स मसाला ही 4 ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मुझे तो मज़ा आता है, 4 गोश्त भिंडी 4 गोश्त बनेगा ही आज। ये गड्डी ऐसे निकाल लेते हैं मैं। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये मेरे पास फ्रेश चिली और कड़ी पत्ते के लीफ हैं, अभी तोड़ के लाई हूँ बाहर से मैं। रेड कलर की चिली है, ग्रीन है, ये पर्पल, 3 कलर है माशाल्लाह। ये मैं बाद में ऊपर शामिल करूँगी, कड़ी पत्ता मैं अभी शामिल कर देती हूँ। ये कड़ी पत्ता ये भी ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये भी आप मिक्स कर सकते हैं।
मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास है तो आप फ्रेश है या कुछ है तो ज़रूर आप मिसामा पीजिएगा, बिल्ली गोश्त का मज़ा बनेगा बहुत ज़्यादा। और साथ में चार का जो फ्रेश मसाला था वो मैंने शामिल किया, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और इसकी बनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ये भिंडी जो फ्राई करके मैंने निकाली थी ये शामिल कर दूँगी। चार ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिमस पाँच में एक टमाटर और दो तीन हरी मिर्च में खुशबू के लिए। हल्के हाथों से अब मिक्स करना है, फिर तो हल्की आंच पे पाँच मिनट के लिए दम पे रखेंगे। फिर ये लेंगी माशाल्लाह दम पे आ गई है, अभी हम ढक्कन उतार लेते हैं इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हमने ये बाद में टमाटर डाले थे वो भी हो गए हैं, बस अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसने अपना घी छोड़ दिया माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की और बहुत ही प्यारी हमारी ये भिंडी गोश्त सालन तैयार हो गया। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आपकी सपोर्ट से हमें ये ले जी माशाल्लाह हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो गया, हमने इसे डिश में निकाल लिया। अब ये जो मैंने मिर्चें रखी हुई थी इसको डेकोरेशन करने के लिए, ये रेड है या ग्रीन है या पर्पल है, अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। ये खूबसूरती के लिए लगा रही हूँ मैं ऑप्शन है, ये वाली जो है ये पर्पल कलर की है, ये भी बाद में रेड हो जाती हैं, बहुत सी तीखी हैं ये खाई नहीं जाती। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया लगा दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी डिश और बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।